हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई फैन फिक्शन लेकर जिसका नाम है रीयूनाइटेड इन अ ब्लिजर्ड। ये एक वांगजियन फैन फिक्शन है और इस फैन फिक्शन को मैं दो पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। इस फैन फिक्शन में लैन वांग जी एक अमीर बिजनेसमैन है जिसने बिजनेस छोड़कर आर्मी ज्वाइन कर लिया और फिर घर से दूर एक बर्फीले बॉर्डर कैंप में पोस्टेड हो गया। लैन वांग जी ड्यूटी पर था जब उसे एक बर्फीले तूफान की चेतावनी मिली। वो एक आर्मी ऑफिसर था और वो कुछ सालों से एक स्नो कवर्ड बॉर्डर पर पोस्टेड था। लैन वांग जी और उसके टीम मेंबर्स ने इसके पहले भी बहुत सारे बर्फीले तूफानों का सामना किया है। वो लोग जानते हैं कैसे इसका सामना करते हैं। उनको बस पहले से इस बात की जानकारी मिल जानी चाहिए। उसने अपने टीम मेंबर्स को उस आने वाले तूफान के बारे में बता दिया। वो जानता था वो लोग सब कुछ ठीक तरीके से हैंडल कर लेंगे। उसे बस उस रिसर्च टीम की चिंता थी जो दो चार दिन पहले ही वहाँ कैंप लगा कर बैठी थी। उसे नहीं पता था वो लोग ब्लिजर्ड्स के बारे में कितना जानते हैं। लैन वांग जी अपने दो सबऑर्डिनेट्स को भेजता है ताकि वो लोग रिसर्च टीम को उस आने वाले तूफान के बारे में अलर्ट कर पाए। वो युवक सेन उस रिसर्च टीम का मेंबर था। वो बहुत ज़्यादा डिस्परेट और डेयरिंग टाइप का आदमी था। रिसर्च टीम के हेड ने पहले से ही सबको सावधान कर दिया था ताकि कोई भी कहीं भी अकेले और केयरलेसली ना जाए, पर वो युवक सेन कहाँ किसी का सुनने वाला था। उसे तो अपनी मनमर्जी ही करनी होती थी। जब वो आर्मी मैन उनको सावधान करने गए, वो युवक सेन उसके पहले से ही गायब था। उसने किसी को बताया भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहा था और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। पता नहीं इस लड़के को लेकर मैं क्या करूँ, प्रोफेसर जियांग फेनमियन परेशान होकर बोलते हैं। वो युवक सेन उनका फेवरेट स्टूडेंट था और वो उसे अपने बेटे जैसा ही प्यार करते थे, पर युवक सेन कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करने से बाज नहीं आता था। प्रोफेसर जियांग फेनमियन का अपना बेटा जियांग चेन भी उस टीम का मेंबर था। वो युवक सेन के साथ टेंट भी शेयर कर रहा था। वो पहले से ही गुस्से से उबल रहा था क्योंकि युवक सेन ने उसे अपने साथ नहीं लिया था। उसने कहा, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, पर पापा मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ, जैसे ही वो मिल जाएगा मैं उसके दोनों टांगें तोड़ दूंगा। जियांग चेंग की बड़ी बहन डॉक्टर जियांग यानली उस टीम की सीनियर रिसर्चर थी। उसने कहा, तुम्हें वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे अपने तरीके से ठीक कर दूंगी। जी जी, आप हमेशा उसके सामने सॉफ्ट हो जाती हो, जियांग चेंग ने कॉम्प्लेन किया, पर वो आपके प्यार और केयर का लायक नहीं है। इन दोनों को टोकते हुए प्रोफेसर जियांग बोलते हैं, पनिशमेंट के बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, फिलहाल जाओ और उसे ढूंढो, छोटे छोटे ग्रुप बना लेना और सावधान रहना। जियांग यानली ने कहा, हाँ, कोई भी कहीं भी अकेले मत जाना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वो कहीं ना भी मिले तब भी तुम लोग तूफान आने से पहले वापस आओगे, समझे सब लोग, कोई भी लापरवाही नहीं। लैन वांग जी को रिपोर्ट मिला कि उस रिसर्च टीम का एक रिसर्चर कैंप में नहीं था और बाकी लोग उसे ढूंढने गए, पर किसी को पता नहीं था वो गया किधर था। लैन वांग जी सर्च टीम को रेडी होने का ऑर्डर देते हैं, क्या पता उन्हें ही उस आदमी को ढूंढने जाना पड़े। एक घंटे बाद वो प्रोफेसर जियांग को फ़ोन करके कैंप का सिचुएशन पूछता है। उसने उम्मीद की थी कि तब तक वो रिसर्चर वापस आ गया होगा, पर प्रोफेसर जियांग ने कहा, ऑफिसर, मेरे जूनियर्स उसे अब तक ढूंढ नहीं पाए, मैंने उन लोगों को वापस आने के लिए कहा है, उनकी लाइफ मैं रिस्क में नहीं डाल सकता, वो युवक सेन तो हमेशा ही कोई ना कोई गड़बड़ करता रहता है, मैं तो उससे संभाल ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं मरने के बाद जब मैं उसके माँ बाप से मिलूँगा तब मैं उन दोनों को क्या जवाब दूंगा। युवक सेन, ये नाम सुनते ही लैन वांग जी की दिल की धड़कने रुक गई। अपने दिल को थामते हुए उसने पूछा, प्रोफेसर क्या आप उस आदमी का एक फ़ोटो भेज सकते हैं, साथ में बाकी डिटेल्स भी, तो फिर हम हमारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर देंगे। प्रोफेसर जियांग ने जल्द ही वो युवक सेन के डिटेल्स और फोटोग्राफ भेज दिया। उस फोटो को देखकर लैन वांग जी श्योर हो गया था कि ये वही आदमी था जिसने कुछ साल पहले लैन वांग जी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये जो लैन वांग जी घर से इतना दूर एक वीरान स्नोई माउंटेन पर पड़ा है, कभी घर वापस नहीं जाता है, इन सब के पीछे ये आदमी ही जिम्मेदार है। वो युवक सेन ने उसे ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर छोड़ा था जहाँ से वो ना वापस जा पाया और ना ही आगे बढ़ पाया। लैन वांग जी ने उस आदमी से इतना प्यार किया था कि उसके चले जाने पर उसे और जीने का ही चाह नहीं रही। पर युवक सेन से धोखा मिलने के बाद भी लैन वांग जी उसी से प्यार करता है। उसकी जान बचाने के लिए लैन वांग जी को अपनी जान की भी परवाह नहीं होगी। जब वो बर्फीला तूफान शुरू हुआ तब तक रिसर्च टीम के बाकी सब लोग सेफ जगह पर पहुंच गए थे। लैन वांग जी और उसकी टीम युवक सेन को ढूंढते रहे। जब फाइनली युवक सेन मिला तब तक उसकी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी, पर वो मरा नहीं था, उसकी सांसें चल रही थी।
रिसर्च टीम को इन्फॉर्म किया गया कि विवेक्सियन मिल गया है और आर्मी के डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जियांग सिबलिंग्स उसे देखने के लिए पागल हो रहे थे, पर वो जा नहीं पा रहे थे। हमारे लीडर खुद उनका ध्यान रख रहे हैं, आर्मी वालों ने उन लोगों से कहा। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे डॉक्टर मिस्टर वई को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर पूरी कोशिश करे जा रहे थे विवेक्सियन की बॉडी को वार्म करने के लिए। लान वांगजी बिना रुके उसके पैरों को घिसे जा रहा था ताकि वो गर्म हो जाए, पर विवेक्सियन की बॉडी टेम्परेचर बढ़ नहीं रही थी। लान वांगजी ने धीमे आवाज़ में कहा, डॉक्टर अगर मैं उसे अपनी बॉडी हीट दूँ तो क्या कुछ हो सकता है? डॉक्टर ने लान वांगजी की तरफ देखा और फिर धीमे आवाज़ में जवाब दिया, ये काम कर सकता है, पर वो आर्मी डॉक्टर भी सालों से वहीं पर था, पर उन्होंने इससे पहले कभी भी लान वांगजी को किसी भी चीज़ से परेशान होते हुए नहीं देखा था। लान वांगजी का फेस हर सिचुएशन में एक जैसा ही दिखता है। उस आर्मी कैंप में किसी को पता नहीं था कि लान वांगजी के अंदर भी कुछ इमोशंस है। किसी ने उसे कभी खुश या दुखी होते हुए नहीं देखा था, पर उस वक्त लान वांगजी को देखकर लग रहा था जैसे उसकी खुद की जान ही खतरे में थी। क्या कुछ परेशानी है डॉक्टर? उसने पूछा। आप अपनी बॉडी हीट इन्हें देना चाहते हो? उनको होश नहीं है, इनके घर वाले भी नहीं हैं, डॉक्टर परेशान होकर बोलते हैं। बाद में वो इस बात को लेकर आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी जॉब भी खतरे में आ जाएगी। लान वांगजी बोल उठता है, मुझे पता है ये सब, मैं ये रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, मुझे बस इसकी जान बचानी है। पर क्यों, इनको तो आप जानते भी नहीं हो? डॉक्टर ने पूछा। मैं जानता हूँ उसे, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, हम बहुत दिनों तक लिव इन रिलेशनशिप में भी थे, लान वांगजी बोलता है। उसकी नज़रें विवेक्सियन के चेहरे पर ही रुके हुए थे। ओह तब तो ठीक है, डॉक्टर उठ खड़े होते हैं। आपको जो ठीक लगे करो, मैं बाहर ही हूँ, कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। लान वांगजी अपने बाहर के कपड़े उतार के सिर्फ अंडरगारमेंट में रजाई के अंदर चला गया। विवेक्सियन के कपड़े सारे भीग गए थे, वो कपड़े उतारकर उसके बॉडी में एक रोब लपेट दिया गया था। उसकी पूरी बॉडी बर्फ़ की तरह ठंडी पड़ी थी। लान वांगजी धीरे धीरे उसे अपने बाहों में लेता है और उसे अपने सीने के पास लाता है। विवेक्सियन का फेस कलरलेस हो गया था, उसके होंठों में भी कोई रंग नहीं था। लान वांगजी उसे देखता रहा। कितने दिन बीत गए थे उस दिन के बाद जब विवेक्सियन बिना बताए उसका घर और उसका दिल खाली करके चला गया था। लान वांगजी केयरफुली विवेक्सियन के चेहरे को अपने हाथ से छूता है और उसके होंठों को चूम लेता है। ये वो आदमी है जिससे लान वांगजी ने खुद से भी ज़्यादा प्यार किया था। इसके लिए वो दुनिया का हर खुशी छोड़ सकता था, पर इस इंसान ने उसे ही छोड़ दिया। वजह बताने की ज़रूरत भी नहीं समझा, पर लान वांगजी कभी भी उसे प्यार करना नहीं छोड़ पाया। घर से इतने दूर इस वीरान स्नोई माउंटेन में रहकर भी लान वांगजी बस इस आदमी को ही याद करता रहा। पता नहीं क्या कमी रह गई थी उसके प्यार में जो विवेक्सियन ने उसे भुला दिया। लान वांगजी हमेशा सोचता था कभी वो विवेक्सियन से मिलेगा तो पूछेगा क्यों विवेक्सियन ने उसकी परवाह नहीं की, क्यों उसके लिए विवेक्सियन का प्यार ख़त्म हो गया। पर उस बर्फीले तूफान की रात जब विवेक्सियन अधमरा होकर पड़ा था, लान वांगजी के मन में बस एक ही चाह थी, वो बस विवेक्सियन को ठीक होते हुए देखना चाहता था। वो भगवान से विवेक्सियन की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। अगर उसे छोड़कर विवेक्सियन खुश है तो खुश रहे, वो तो बस उसे जिंदा देखना चाहता था। लान वांगजी एक हाथ से विवेक्सियन के बॉडी को टाइटली पकड़ा और दूसरे हाथ से पूरे बॉडी को राब करता रहा। उसके गर्म सांसें विवेक्सियन के फोरहेड को छू रहे थे। बीच बीच में वो उसके पेल फेस और सूखे होंठों को भी किस कर रहा था। वो बिना रुके ये सब करता रहा, उसे टाइम का कोई पता ही नहीं था। अचानक उसे लगा विवेक्सियन ने कुछ कहा। वो समझने की कोशिश करने लगा, क्या सच में विवेक्सियन ने कुछ कहा या उसने सुनने में गलती की? लाजा, विवेक्सियन ने बुदबुदाया। क्या विवेक्सियन को होश आ गया? लान वांगजी ने चेक किया, पर विवेक्सियन बेहोश ही था। फिर उसने लान वांगजी का नाम क्यों लिया? लाजा यहाँ बहुत ठंड है, विवेक्सियन ने बड़बड़ाया। लान वांगजी हैरान था, क्या विवेक्सियन ने भी उसे उतना ही मिस किया जितना उसने उसे किया? क्या वो अभी भी उसके बारे में सोचता है? तो फिर वो चला क्यों गया था? क्या चाहिए था उसे जो लान वांगजी उसे नहीं दे पाता? लान वांगजी बहुत अमीर था, विवेक्सियन के एक बार कहने से वह उसे कुछ भी ला के दे सकता था। लान वांगजी से ज़्यादा प्यार करने वाला भी उसे नहीं मिल सकता। जितना लान वांगजी को पता था, विवेक्सियन बहुत खुश था उसके साथ। फिर अचानक क्या हो गया था? लान वांगजी का दिल मचल उठा, वो विवेक्सियन के फेस को अपने उंगलियों से टच करता रहा। लाजान मेरा बाबू, विवेक्सियन ने उसे प्यार से बुलाया। ऐसे ही वो बुलाया करता था जब पहले वो दोनों इंटीमेट होते थे। विवेक्सियन सिडक्टिव वॉइस में लान वांगजी का नाम लेता रहा।
लान वांग जी का बॉडी गर्म हो गया, उसका खुद को संभालना मुश्किल हो गया। वो झुककर वुई वुक सेन का मुंह चूम लेता है। इसके पहले वो सिर्फ प्यार से धीरे से किस कर रहा था, पर इस किस में प्यार के साथ साथ पैशन भी था। लान वांग जी को हैरान करते हुए वुई वुक सेन ने भी उस किस में पार्टिसिपेट किया। जब लान वांग जी अपने होंठ हटा रहा था तब वुई वुक सेन उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। लान वांग जी का हाथ जो वुई वुक सेन को प्यार से छू रहा था वो अब उसे पैशनेटली छूने लगा। वुई वुक सेन के आंखें बंद ही थे पर वो मौन करने लगा। लान वांग जी ने नोटिस की कि वुई वुक सेन की बॉडी अब और ज़्यादा ठंडी नहीं थी। वुई वुक सेन बोल रहा था, उसके टच से रिस्पॉन्स भी कर रहा था। इसका मतलब वो पहले से बेहतर था, उसे शायद और बॉडी हीट देने की ज़रूरत भी नहीं थी। पर लान वांग जी खुद को उससे अलग नहीं कर पा रहा था और वुई वुक सेन को भी उसका हाथ हटा लेना पसंद नहीं आ रहा था। वुई वुक सेन की बॉडी लान वांग जी की बॉडी से लिपटे रहना चाह रही थी। लान वांग जी खुद को और नहीं रोकता, वो वुई वुक सेन जो चाह रहा था वही करने लगा। वो काम जो उसे बहुत पसंद था, वो काम जो वो हर रोज करता था, उसे लगता था वो जिंदगी भर वो काम करता रहेगा। पहले भी वुई वुक सेन इसी तरह रिस्पॉन्स करता था और वो सोचता था कि वुई वुक सेन भी जिंदगी भर उसके साथ वो करता रहेगा। पर पता नहीं कैसे सब कुछ बदल गया। आज जब लान वांग जी उस काम को दोहरा रहा था तो उसके मन की फीलिंग्स कुछ और ही थी। दोस्तों, फैन फिक्शन का ये पार्ट आज मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। बाकी का पार्ट जितनी जल्दी हो सके लेकर आऊँगी। आप लोगों को कैसी लगी आज की फैन फिक्शन, कॉमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।